हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी थी, वैसे ये चाचा जा रहे थे अपने काम पर, कपड़े बेचने के लिए, स्वेटर्स और शॉल लेकर के बेचने के लिए जा रहे थे। तो ये नेपाल से हैं, ठंड में ये सारे लोग अपना ग्रुप बना करके आते हैं, तो हमारे यहाँ रूम दिया जाता है इनको रहने के लिए। तो आज रेडी होकर के ये बेचने जा रहे थे, तो मैं ऐसे इनको देखी तो रुका ली। मैं बोली चाचा रुके, हमें भी कुछ लेना है, दिखाइए। तो ये शॉल वगैरह दिखा रहे थे, ब्राइडल शॉल थी ये, ज़्यादातर रेड कलर में, ज़्यादा काम वाली शॉल थी। और जो इन ये वहाँ से लाए होंगे कपड़े और वो स्वेटर्स, वो सब दिखा रहे थे कि ये देखिए ये है वो है। तो सभी लोग देख रहे थे, अपना चेक कर रहे थे किसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो दिखाए, जिसको जो लेना था उन्होंने वो लिया। अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात किए। मैंने इनको पानी वगैरह भी पूछा, तो ये पानी वगैरह भी पिए और खूब सारी बातें किए और अपने नेपाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए कि ऐसे है। मैं बोली अंकल कब तक रुकेंगे, तो बोल रहे थे कि अभी कुछ टाइम तक हम लोग रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो ये देखिए हमारा न्यू किचन में टाइल्स वगैरह लगा था, तो वो न्यू किचन का मैं वीडियो इसमें डाल दी थी। और इसी किचन में आज मम्मी पूजा करके आई हैं छत पे, चांद देव की पूजा करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा कर रही हैं, दीपक जला दी हैं। तो बेसिकली ये पूजा लड़कों के लिए होता है और अपने बच्चों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए होता है। और फिर मॉर्निंग हो गया था, हम लोग सो गए थे रात में खा पी करके। मम्मी का तो व्रत था, मम्मी खाई नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में जैसे ही हम उठे, वैसे ही भैया आ गए थे पार्सल लेकर के। तो मैं जल्दी जल्दी गई पार्सल ली, उनसे देखी, मैं भूल गई थी कितना बड़ा क्या हम लोगों ने बुक किया है जो आया हुआ है। तो बाद में पता चला मेरे भाई ने लाइट बुक किया था रूम के लिए, तो वही लाइट आई हुई थी, हम उसको ओपन करके देख रहे हैं। 2000 years later. तो फाइनली हमारा ये पार्सल जो है खुल गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, वो मैं ओपन करके देख रही थी, मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी। तो पहले तो ये स्टैंड दिया हुआ है गोल्डन कलर में, हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था, रिजनेबल प्राइस में ये हमें मिल गया था। और ये गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन है, इसमें येलो कोई भी लाइट हम इसमें लगा करके जला सकते हैं, कि चाहे वाइट लाइट या येलो लाइट, कोई भी लाइट लगा कर जलाएंगे। मैं अभी आगे पिक अटैच कर दूँगी, जो हमने इसको अटैच करवा करके दीवार पर और जलवाया था। जलती हुई लाइट का फोटो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए इसमें ये स्टैंड है, स्टैंड के बाद ये हमें मिला है, वाइट कांच में है ये, तो इसी में लाइट हमारी जलेगी। तो ये दोनों जो स्टैंड है, दोनों तरफ दो आया है, दोनों तरफ लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी लाइट देता है। यहाँ पे देखिए ये जल रही है लाइट, और ये अप्रोक्स 700 में मिल गया था हम लोगों को। और ये नेक्स्ट हमारा दूसरी लाइट है, जो हम अपने घर के पीछे लगाएंगे बहुत ज़्यादा उजाला देने के लिए। तो इसका भी मैं फ़ोटो ली थी उजाला जितना था, लेकिन वो फ़ोटो मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं इस फ़ोटो आगे लगा नहीं पाई। तो ये देखिए ये भी बहुत अच्छी लाइट है, ये 400 कुछ में थी, तो ये भी हम लगाए थे, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा उजाला है। आपको लेना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट हमने ये जो होता है अलार्म होता है, वाटर में डाला जाता है टंकी वगैरह में, तो वो जब पानी भर जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक अलार्म दे देता है कि पानी भर गया है, मोटर बंद कर दिए। तो नेक्स्ट ये हमने मंगवाया था। फिर उसके बाद मैं ये हेयर स्प्रे मंगवाई थी, कॉम्बो सेट था, तो इसमें हेयर स्प्रे आया था और ये कॉम का सेट आया था, दो कॉम्बो सेट था, एक कॉम का और ये हेयर स्प्रे। बहुत अच्छा है, कॉम का क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा पतला ही है, लेकिन ठीक है, कई तरीके का कॉम है, हमें कौन सा बहुत ज़्यादा रोज़ इससे करना है, एक ही बार डिज़ाइन बनाना है। और ये हेयर स्प्रे अच्छा था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।